नमस्कार फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार आइए हम देखते हैं फलोदी सट्टा बाजार किसको कितनी सीट दे रही है राजस्थान में एक सर्वे ने बड़ा खुलासा किया है फलोदी सर्वे बाजार के अनुसार राजस्थान में किसकी सरकार बन सकती है भाजपा को कितनी सीट मिलेगी बाकी अन्य पार्टियों को कितनी सीट मिल सकती है सबसे पहले बात करें जालोर जिले तो तीन कांग्रेस को मिलेगी और भाजपा को दो अन्य को जीरो सीट मिल सकती है टोंक में तीन कांग्रेस को और एक सीट भाजपा के खाते में जा सकती है टोंक में टोटल चार विधानसभा सीट है जिसमें तीन कांग्रेस को मिलेगी एक सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है दोसा की पांच विधानसभा सीटें कांग्रेस को तीन मिलेगी और दो सीट भाजपा के खाते में जा सकती है अन्य को जीरो सीट मिलेगी सिरोही जिलों की बात करें तो टोटल तीन विधानसभा सीट है दो सीट कांग्रेस के खाते में और एक सीट भाजपा के खाते में जा सकती है और अन्य को जीरो सीट मिल सकती है अब हम बात करें भीलवाड़ा जिले की सात विधानसभा सीटों की तो पांच सीट भाजपा को मिलेगी और दो सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है अन्य को जीरो सीट मिल सकती है जिसमें भाजपा को अच्छी खासी बढ़त के साथ पांच सीट मिलेगी राजसमंद की चार सीटों की बात करें तो दो सीट कांग्रेस के खाते में दो सीट भाजपा के खाते में अन्य को जीरो जीरो सीट मिल सकती है यहाँ पर दोनों को कांठे की टक्कर रह सकती है भाजपा व कांग्रेस के बीच में हनुमानगढ़ जिले की पांच विधानसभा सीटों की बात करें तो तीन सीट कांग्रेस के खाते में और दो सीट भाजपा के खाते में है अन्य को जीरो सीट सीट मिल सकती है। यहां पर नागौर जिले की बात करें तो विधानसभा पांच कांग्रेस के खाते में चार सीट भाजपा के खाते में एक सीट अन्य के खाते में जा सकती है नागौर में टोटल दस विधानसभा सीट है जो कि एक सीट अन्य नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सहित कोई अन्य पार्टी जीत सकती है कोई निर्दलीय उम्मीदवार

काफ़ी भारी रह सकता है प्रतापगढ़ की दो विधानसभा सीटें एक कांग्रेस को मिलेगी एक भाजपा को मिल सकती है यहाँ पर भी कड़ी टक्कर के साथ दोनों को बराबर बराबर सीट मिल सकती है जलावाड़ की चार विधानसभा सीटें दो कांग्रेस के खाते में जा सकती है जबकि दो सीट भाजपा के खाते में अन्य को जीरो सीट मिल सकती है जलावाड़ में टोटल चार विधानसभा सीटें हैं और चित्तौड़गढ़ में टोटल पांच विधानसभा सीटें दो सीट कांग्रेस के खाते में तीन सीट भाजपा के खाते में जा सकती है यहाँ पर भाजपा भारी रहेगी कांग्रेस पर कोटा की छह विधानसभा सीटों की बात करें तो चार सीट कांग्रेस के खाते में दो सीट भाजपा के खाते में बाकी अन्य को जीरो बात करें बारह जिले की चार विधानसभा सीटों तो कांग्रेस को एक सीट मिलेगी भाजपा को तीन सीट मिलेगी अन्य को जीरो सीट मिल सकती है बारह में कुल चार विधानसभा सीट है जिस पर भाजपा भारी पड़ सकती है स्वयं माधोपुर की चार विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस को सुपड़ा साफ रह सकता है टोटल चारों की चारों सीट भाजपा के खाते में जा सकती है बाकी अन्य को जीरो जयपुर की उन्नीस विधानसभा सीट है कांग्रेस को दस सीट और भाजपा को नौ सीट यहाँ पर भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है अन्य को जीरो सीट मिलेगी जयपुर की उन्नीस विधानसभा सीटों में से कांग्रेस भारी पड़ सकती है भाजपा पर बात करें करौली जिले की चार विधानसभा सीटों की तो तीन कांग्रेस के खाते में जा सकती है एक सीट भाजपा पर जा सकती है अन्य को जीरो कांग्रेस बढ़त के साथ भाजपा पर भारी पड़ सकती है बीकानेर की सात विधानसभा सीटों के साथ एक सीट अन्य तीन भाजपा और तीन कांग्रेस को मिल सकती है यहाँ भाजपा व कांग्रेस के बीच काफी ज्यादा कांटे की टक्कर मुकाबला भारी रह सकता है गंगानगर की छह विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस के खाते में तीन भाजपा के खाते में तीन जा सकती है यहां पर भी कड़ी टक्कर के साथ यानी जितनी मेहनत के साथ दमतम के साथ यानी तीनों को बराबर बराबर सीट मिल रही है भाजपा व कांग्रेस के बीच अन्य को जीरो जीरो सीट मिल सकती है जैसलमेर की दो विधानसभा सीट एक कांग्रेस के खाते में एक भाजपा के खाते में जा सकती है बाकी अन्य को जीरो सीट मिल सकती है जैसलमेर में कुल दो विधानसभा सीटें जो कि भाजपा व कांग्रेस के बीच बड़ा मुकाबला है बाड़मेर की सात विधानसभा सीट में से भाजपा चार निकालने में, में कामयाब रहेगी कांग्रेस तीन जीतने में कामयाब रह सकती है बाकी अन्य को जीरो सीट मिल सकती है धौलपुर की चार विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस को दो दो भाजपा जीत सकती है अन्य को जीरो सीट मिल सकती है यहाँ पर भी भरतपुर में सात विधानसभा सीट है जो कि कांग्रेस भारी पड़ेगी बीजेपी पर चार सीट निकालने में कामयाब रहेगी भाजपा तीन सीट जीत सकती है अन्य को जीरो सीट मिल सकती है भरतपुर में टोटल यानी सात विधानसभा सीट है जो कि अलवर की ग्यारह विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस के खाते में छः सीट भाजपा के खाते में चार सीट एक सीट अन्य निकालने में कामयाब रह सकता है जिसमें कांग्रेस अलवर में बीजेपी पर भारी पड़ सकती है सिक्कर की आठ विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस तीन सीट जीत सकती है भाजपा के खाते में पांच सीट जा सकती है अन्य को जीरो सीट मिल सकती है सिक्कर की आठ विधानसभा सीट में से और झुंझुनू की सात विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस को तीन सीट जीतने में कामयाबी रहेगी भाजपा चार सीट जीत सकती है अन्य जीरो सीट मिलेगी चूरू की छह विधानसभा सीटें कांग्रेस को तीन सीट मिलेगी जबकि भाजपा को भी तीन सीट मिल सकती है चूरू विधानसभा की छह सीटों पर जोधपुर की दस विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में पांच भाजपा के खाते में चार सीट एक सीट अन्य जीत सकता है और जिस पर कांग्रेस जोधपुर जिले की दस विधानसभा सीटों में से भारी पड़ सकती है भाजपा पर भाजपा को बड़ा झटका लगेगा पाली की छह विधानसभा सीटें कांग्रेस तीन और तीन भाजपा अन्य को जीरो सीट मिलेगी पाली में टोटल छह विधानसभा सीटें अजमेर की आठ विधानसभा सीटों की बात करें तो चार कांग्रेस के खाते में चार भाजपा के खाते में अन्य को जीरो सीट मिल सकती है जो कि टोटल आठ विधानसभा दोनों के बीच कांटे की टक्कर का मुकाबला बात करें बूंदी जिले की तीन विधानसभा सीट सीट दो कांग्रेस और एक भाजपा को मिलेगी अन्य को जीरो कांग्रेस को में सीट मिलेगी भाजपा को सत्यान में अन्य को चार सीट मिल सकती है जिसमें यानी कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ सकती है यानी सरकार किसी की भी नहीं बन सकती है लटकती रह सकती है